Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दिए जाने के निचली अदालत के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कहा कि मैं 2-3 दिन के लिए ऑर्डर रिजर्व रख रहा हूँ। आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट का कहना है कि वो 2-3 दिन में ईडी की स्थगन अर्जी पर आदेश पारित कर देगी और तब तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी। कोर्ट ने वकीलों को सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने की छूट दी है। इससे पहले आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले को ईडी ने हाईकोर्ट की अवकाश पीठ के सामने चुनौती दी थी। गुरुवार को कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी, लेकिन इसके बावजूद ईडी ने इस फैसले को चुनौती दी। वहीं इस बीच हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद फिलहाल केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में ही रहेंगे।